अब आखिरी दो टाइप के फॉर्मूले रह गए हैं, बड़े मशहूर फॉर्मूले जो आपने सेकेंड ईयर में बहुत दफा यूज किया होगा, और वो है सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम। देख लेते हैं उनको भी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम टू प्रोडक्ट, इनको भी आइडेंटिटीज कहते हैं। सब जितने आपने डिस्कस किए सब आइडेंटिटीज हैं, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। कहने का मतलब सम होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इनकी जो मशहूर नोटेशन है ना वो यू वी की फॉर्म में, कि साइन यू प्लस साइन वी, ऑर्डर इसी तरह याद रखना जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं, साइन यू माइनस साइन वी इसी तरह। नहीं, इसमें जगह ज्यादा चाहिए होगी, चलो मैं एक साथ ही बता देता हूं। साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला होता है टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। इन सब फॉर्मूलों को लिखवाने का मकसद ये कि आप इसी ऑर्डर में याद रखो, वरना ये फॉर्मूले तो आपको हर यूट्यूब पे, हर गूगल पे, किसी भी बुक को उठाओ ट्रिग्नोमेट्री के उसमें मिल जाते हैं, लेकिन इस ऑर्डर में याद रखोगे काफी आसानी हो जाएगी। फिर दूसरा फॉर्मूला आप याद रखो साइन यू माइनस साइन वी का, उसमें फर्क ये कि साइन और कॉस की पोजीशन चेंज है बस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने इस तरह याद रखने। अब तीसरा फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, कॉस यू प्लस कॉस वी का। अब इनमें देखो साइन कॉस दोनों आते थे, अब एक एक आएंगे। कॉस यू प्लस कॉस वी के फॉर्मूले में जस्ट कॉस आएगा, यू प्लस वी अपॉन टू यू माइनस वी अपॉन टू, और अब कॉस यू माइनस कॉस वी के फॉर्मूले में क्या आएगा, जस्ट साइन आएगा, टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। जो आखिरी फॉर्मूला है इसके साथ आप माइनस लगा देना बस। साइन ए प्लस बी करके भी याद कर, हाँ कोई मसला नहीं है इसमें, आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि आप इसमें ए बी कर दो। ए बी तो इतना नहीं होता, अल्फा बीटा की फॉर्म में भी याद किया जाता है इसको, कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा प्लस बीटा पॉइंट टू कॉस अल्फा माइनस बीटा पॉइंट टू। नोटेशन मैटर नहीं करता, और ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है, आपको आगे समझ आएगी। ये चीजें आपने भी पढ़ी हुई ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं भी आपको बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक्स की फॉर्म में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसी को अगर मैं कुछ डिफरेंट कर दूं, कोई डिफरेंट नोटेशन में मैं लिख दूं, डेरिवेटिव में मैं ले आऊं, तो वहां पे जाके स्टूडेंट फंस जाएंगे। जैसे एक मैं इक्वेशन लिख देता हूं इस तरह की, ये अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको आप एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। ये वही तो है कि जिसमें पावर टू है, फिर पावर वन है, और फिर पावर जीरो है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि नोटेशन जो है ये आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नोटेशन कंफ्यूज करती है फिर आपके स्टेप खत्म हो जाते हैं पूरे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कोई भी नोटेशन लिख लो, बात एक ही है। ये था सम टू प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों सम हो रहे थे और आपने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट टू सम, कि जिनमें वो पहली प्रोडक्ट की फॉर्म में थे आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो सम की फॉर्म में। अच्छा जी, सबसे पहला फॉर्मूला इसी ऑर्डर में याद रखना है, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर आप पढ़ोगे साइन अल्फा साइन बीटा, और तीसरा हो जाएगा चौथा कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या है याद रखना, कि वन अपॉन टू बाहर आएगा, अंदर क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट वही होगा, बस सिर्फ फर्क ये है कि यहां पे पॉजिटिव है, इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज वैसे ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दूसरा फॉर्मूला याद करने में आपको कोई आसानी नहीं होगी। अच्छा, फिर आप आ जाओ साइन अल्फा साइन बीटा, इसके फॉर्मूले में अगर आप देखो तो जैसे इन दो के फॉर्मूले में जस्ट साइन होता था ना, अब इसमें सिर्फ कॉस होगा। इसका फॉर्मूला होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसका भी सेम यही होगा, बस फर्क क्या होगा, इधर ये चीज आ जाएगी, इधर ये चीज आ जाएगी, दरमियान में नेगेटिव होगा और आखिरी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। मैं ज़रा एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर लूँ, हाँ
एक सेकेंड, सही है, ये ऑर्डर चेंज कर दिए मैंने इनके। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा का, आप इस तरह याद रख सकते हो कि जो साइन है ना उसके साथ नेगेटिव आ रहा है, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, सिर्फ वैसे इसको मेमोराइज नहीं कर सकते, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना वरना जहन से निकल जाते हैं। तो जो साइन वाला फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव आ रहा है, बाकी किसी में नेगेटिव नहीं आ रहा, एक इसको याद कर लो, एक इसको याद कर लो, बाकी दो जो है अगर इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो हो जाएंगे। यार फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, या वो मैंने वही तो बात बताई है कि जैसे मैं आइडेंटिटीज पूछ रहा हूँ अभी 10.1 की, मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाई थी तो उसमें जो मैंने एग्जांपल करवाई थी उस तरह सवाल आ जाएगा, या आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या आपसे कोई 10.3 या 10.2 का सवाल पूछ लेंगे कि सिंप्लीफाई करो इस चीज़ को, तो ये आपको उसी बात समझ आएगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैंने बताया वह एनईडी के पास पेपर्स हैं, उसके अलावा मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया भी इसलिए है, फर्स्ट ईयर का पहले से मैंने दिया हुआ है, जो मैंने एक वीडियो, अच्छा लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि एनईडी की तैयारी कैसे करनी है, उसमें एंड पे मैंने जो ई कैट के एमसीक्यूज हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, उसमें आप एंड पे जाना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ई कैट के जो एमसीक्यूज मैंने एनईडी के बच्चों को दिए वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जाके, और आप लोगों को तो मैंने ग्रुप पे शेयर किए हैं, तो उनको जाके देखो खोलो कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो खुद भी थोड़ी एफर्ट करो ना, ये थोड़ी ना कि सब मैं पास पेपर आके एक पेज ले लूँ बोलूँ भाई ये एमसीक्यूज आ रहा है सॉल्व कर लो, मतलब चमचे में उठा के, चमचा भी आप लोग मुंह में नहीं डालना चाह रहे, वो भी मैं डालूं पूरा चमचा, आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है भाई खोलो, चैप्टर 10 चैप्टर वाइज रेंज किया हुआ है, मेहनत लगती है इन कामों में, चैप्टर 10 खोलो और देखो कैसे सवाल आ रहे हैं, मैंने थ्योरी पढ़ाई है एग्जाम्पल डिस्कस किए बाकी है वहां पे देखो। इस लेवल पे आके मुझे ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बतानी पड़ती हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, तो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले थे वो सब हमने देख लिए। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो आपको 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जरा क्या है उसको जरा देख लेते हैं। यार फॉर्मूले का मैंने सेकेंड ईयर का तो बनाया हुआ था, फर्स्ट ईयर का मैं नहीं बना पाया, तो ये आप लोग थोड़ी सी खुद मेहनत कर लो, जैसे मैंने अभी जिस ऑर्डर में लिखवाया है ना इनको अपने पास कॉपी कर लो, या ना कॉपी करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे फॉर्मूले का, जितने मैं चैप्टर 10 में करवाए हैं सब स्क्रीनशॉट, क्या आपको इसके गूगल पे ही मिल जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा खुद लिख लो, जैसे मैंने सेकेंड ईयर के फॉर्मूले खुद लिख के पीडीएफ बनाया था, तो आप जो जो फॉर्मूले मैं बताता जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, चैप्टर वाइज आप हर फॉर्मूले की लिस्ट बनाते जाओ, मेरे पास फिलहाल नहीं है आप मैंने काफ़ी पीडीएफ देखे हैं गूगल पे। आप एक काम करो, जो मेरे मैथ के ग्रुप हैं मैथ मैजिक के, आप उसके किसी ग्रुप में अगर ऐड हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दो, शायद मैंने देखे में 2-3 पीडीएफ है मेरी नज़र में जो फॉर्मूले के पूरे पीडीएफ थे, तो वहाँ पे आप पूछ लो आपको कोई बता देगा, मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं शेयर कर देता। अच्छा जी बस आखिरी टॉपिक है इसका, और वो आप लोगों के सिंध बोर्ड में नाम तो नहीं है उसका, टॉपिक का नाम तो वैसे अलाइड एंगल का है लेकिन मैं नाम में नहीं जा रहा क्योंकि वो आपकी बुक में मेंशन भी नहीं है, असल चीज़ क्या है वो जरा हम देख लेते हैं, और वो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको बात क्लियर होगी कि किस तरीके से आपने करना है उनको। अगर आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए कोई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब इसकी वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसी तरह 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये 8 वेरिएशंस हैं जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ सकती हैं, यहाँ पे साइन आ जाए कॉस टेंजेंट कॉट सेक कोसेक कुछ भी आ सकता है, और ये 8 वेरिएशन जो है ये मैंने आपको बता दी हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह करना है, इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हो, जैसे यहाँ पे अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूला लगा दो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री बीटा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, लेकिन वो लंबा वाला तरीका है उस पर आप ऐसा टेंजेंट आ गया तो टेंजेंट का फॉर्मूला मुश्किल थोड़ा है, तो इसलिए इसकी ट्रिक है जो काफ़ी मशहूर है उसको आप याद रख लो तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और वो ट्रिक ये है कि आपने तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये समझ लो तीन स्टेप में आप इसका आंसर बताते हो,
पहली दफा सीख लो, डिटेल से बता रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा बात को, एक एक चीज मैं बार बार बताऊंगा, उसको गौर से सुन लेना। सबसे पहले चीज आप ये देखते हो, अच्छा ये तो सिर्फ 90, 180, 270, 360 है ना, अगर इसके कोई और एंगल आ जाए, मतलब 90 के कोई और मल्टीपल आ जाए, जैसे 450 90 का मल्टीपल है ना, 540, 630, 720, 810, 900, ये सब आ जाए तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे आप इनका आंसर दोगे? तो याद आपने ये रखना है कि एंगल आ कहां पे रहा है। ये जितने एंगल होते हैं ये क्वाड्रेंटल होते हैं, या तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं होंगे या ये वाई एक्सिस पे कहीं होंगे। तो दो चीजें आपने याद रखनी है कि अगर आपका एंगल, सबसे पहला काम है, आपने देखा ना आपका एंगल एक्स एक्सिस पे है तो जो फंक्शन है डजंट चेंज, फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, पहली बात। अगर आपका एंगल वाई एक्सिस के ऊपर है तो जो आपका फंक्शन डज चेंज, कर लेते हैं ठीक है, फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर यहां पे साइन लिखा हुआ हो तो साइन चेंज हो जाता है कॉस के अंदर, और अगर कॉस लिखा हो तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। मतलब जैसे यहां पे साइन है ना, आप देखोगे एंगल यहां पे क्या है, अगर यहां पे जो एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, आंसर में साइन आ जाएगा, और अगर यहां पे वाई एक्सिस के ऊपर एंगल हो जो कि 90 वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन जो है वो कॉस की फॉर्म में हो जाएगा। फिर किस तरह चेंज होगा वो हम बाद में देख लेंगे। इसी तरह अगर टेंजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर। अच्छा मैं थीटा नहीं लगा रहा, मैं जस्ट आपको बात समझाने के लिए बता रहा हूं, कॉट है तो वो टेंजेंट की फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह सैक है तो वो चेंज हो जाएगा कॉसैक की फॉर्म में, कॉसैक है तो वो चेंज हो जाएगा सैक की फॉर्म में। तो ये चीज आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि फंक्शन को चेंज करना है या फंक्शन को चेंज नहीं करना, सबसे पहले तो आपने ये बात डिसाइड करनी है। फिर आपने देखना है डिसाइड क्वाड्रेंट, आप ये देखोगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, आपने डिसाइड करना है, क्योंकि क्वाड्रेंट की बेसिस पे आप साइन डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है जो कॉस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेंजेंट जो है वो थर्ड में होता है, साइन है वो सेकंड में होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके मुताबिक फिर आप जो भी फंक्शन होगा उसका साइन डिसाइड करोगे। बस ये दो काम करने हैं आपने, तीसरा काम ये होगा कि जो यहां पे एंगल लिखा हुआ है ना वो आपके आंसर के साथ आ जाएगा, ये तीसरा काम होगा। अब जरा मैं 5-6 एग्जांपल करवाता हूं ताकि मामला क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, 90 डिग्री कहां पे आता है, या इसको ड्रॉ करके देख लो, ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, और इसी तरह इसको 360 कह लो। तो ये जो पांच एंगल, जीरो तो इतना खैर नहीं आता, जीरो को हटा देते हैं, ये जो पांच एंगल है ये मैंने आपको बता दिए, चार एंगल, कि 180 360 एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, 90 270 वाई एक्सिस के ऊपर आता है, तो अगर 90 या 270 आ रहा है तो फंक्शन को चेंज करोगे क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, अगर 180 या 360 आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन को चेंज नहीं करोगे। तो यहां पे 90 आ रहा है, फंक्शन को चेंज कर दो, साइन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस की फॉर्म में, जो यहां पे एंगल लिखा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा। अब आप डिसाइड करोगे क्वाड्रेंट, देखो 90 डिग्री यहां पे आता है, 90 डिग्री में अगर आप कुछ भी एंगल ऐड करोगे, आपने थीटा ऐड किया हुआ है ना, 90 डिग्री में कुछ भी ऐड करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, और अगर 90 में से कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 85 हो जाएगा, 85 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो 90 में कुछ भी एंगल ऐड हो रहा है इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस की फॉर्म में। अब इन स्टेप को आपने, बाकी 3-4 में एग्जांपल्स करवा रहा हूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, कंसीडर कर लो, अगर आपके पास ये आ जाता है कि कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 पे फंक्शन चेंज होता है, बिल्कुल होता है, कॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन की फॉर्म में, जो यहां पे एंगल है वो यहां पे आ जाएगा, 270 डिग्री यहां पे आता है, 270 में से आप कुछ भी एंगल माइनस कर रहे हो तो ये पीछे हो जाएगा, पीछे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यही सवाल अगर इस तरह आ जाता 270 डिग्री प्लस थीटा, तो अभी इसका आंसर साइन थीटा होता, और 270 प्लस थीटा मतलब 270 में कुछ भी ऐड करते तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई इसके साथ पॉजिटिव आ जाता। अच्छा अब हम टेंजेंट का जिक्र करते हैं, लेट कर लो आ जाए टेंजेंट 360 प्लस थीटा, 360
360 चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट है तो वो टेंजेंट की फॉर्म में ही आएगा। 360 में जब आप कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो वो ऊपर हो जाएगा, अगर कुछ माइनस करते तो वो नीचे आता, तो ऐड किया इसका मतलब ऊपर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर फंक्शन पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। अब मैं एक sec के साथ करवाता हूं आप लोगों को, sec 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज होता है नहीं होता, तो ये sec ही आ जाएगा। 180 में से कुछ भी एंगल माइनस करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, कुछ ऐड करते तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec क्या होता है, डेफिनेटली नेगेटिव होता है क्योंकि sec रेसिप्रोकल है cos का, cos अगर फोर्थ में होता है पॉजिटिव तो sec भी फोर्थ में होता है, इसका मतलब sec सेकंड में नेगेटिव होगा तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मैंने तकरीबन सारी एग्जांपल करवा दी हैं, कोई यहां तक सवाल है तो पूछ लो आप। कोर्स यार इंशाल्लाह 26 से पहले हो जाएगा क्योंकि आज हमारा चैप्टर नंबर 11 तक हो जाएगा, कल की क्लास में चैप्टर नंबर 12 और 13 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल क्या है, कल मंडे है ना, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे को 25 है, हाँ इंशाल्लाह 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। बाकी अगर आपने इसकी एग्जाम्पल ट्राई करनी है तो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 मजीद सवाल लिखे हुए, वहां पे आप एग्जाम्पल देख लेना, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बस एक हाँ मैं यही बात बताने लगा था कि अगर आपका एंगल 360 से अबव आ जाए लेकिन वो 90 का मल्टीपल हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने एंगल आ रहे हैं वो 90 के मल्टीपल में है। अगर 90 का मल्टीपल नहीं आ रहा तो फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, या तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, जैसे अगर आपके पास आ जाए जो एग्जाम्पल पूछी गई है मुझसे, लेट कर लो इस तरह आ जाए कॉस 600 प्लस थीटा, तो अब 600 कोई 90 का मल्टीपल नहीं है, अब आपको इस पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे इसको। लेकिन अगर कोई 90 का मल्टीपल आ जाए, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ 630 90 का मल्टीपल है, 90 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 630 आता है। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर डायरेक्ट आप बताना चाह रहे हो तो बहुत इजी तरीका है भाई, देखो 90 डिग्री 180 270 360 90 ऐड करो 360 में 450 540 630, तो इसका मतलब 630 कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है और इस जगह पे है, तो पहली बात वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस है तो वो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है 630 प्लस थीटा, मतलब यहां पे कोई भी एंगल ऐड करोगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ पॉजिटिव साइन ही है, तो इस पूरी चीज का आंसर साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये चीज किसी को मुश्किल लगे तो भाई फिर आप वो फॉर्मूले याद रखो अल्फा प्लस बीटा के, फॉर्मूले से एक्सपेंड करना कैलकुलेटर में, आप 630 की जो भी वैल्यू होगी वो निकालना, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा।